ईश्वर क्या? ईश्वर यानी क्या? ईश्वर यानी लॉ ऑफ नेचर, ये सृष्टि का नियम, यही है ईश्वर। जैन परिभाषा में उसे धर्म तत्व कहते हैं, लोगों की भाषा में उसे गॉड कहते हैं। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, दिस इज नोबडीज बिजनेस, ये किसी के घर की बात नहीं है। ये पूरी सृष्टि जो चलती है, पूरे साइंटिफिक चलती है, किसके दिमाग से नहीं चलती है, किसकी मंशा से नहीं चलती है, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, मैथमेटिकली चलती है। वी हैव जस्ट टू फॉलो दैट साइंस, दैट्स ऑल। हम यहां उपध्यान में क्यों आए हैं? जस्ट टू नो दैट साइंस एंड एक्लेमेटाइज अवर सेल्फ फॉर दैट साइंस, टू फॉल इन अलाइनमेंट, ट्यून विद द नेचर। सृष्टि अपने नियम से चलती है, हम इंसान स्वरूप, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का हम अज्ञान होते हुए दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग करने में हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। बस अभी दुरुपयोग से उपयोग में आना है और प्रयोग में आना है। तो उपध्यान क्या है? उपध्यान है योग, उपयोग और प्रयोग। उपध्यान इज इक्वल टू योग। योग यानी जुड़ना। किससे जुड़ना? हमारे जीवन के मकसद से जुड़ना। और उस और किससे जुड़ना? तो के और ये पंच परमेष्ठी से जुड़ना। क्यों जुड़ना? क्योंकि मेरा जो मकसद है वो पंच परमेष्ठी के माध्यम से जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक मेरी मेहनत कम हो जाएगी। नमो जिना जिया भया।